लोग भी ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है जी, तो आज मैं लंच पे क्या बना रही हूँ, और अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, जो हज़ार ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े नखरे शतरे करते हैं तो उनके लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि वो हो जाएंगे हैप्पी हैप्पी ये खा के। ठीक है जी, तो आप जो है ना उनकी मुस्कुराहट के लिए कुछ ऐसा बना के दीजिए जो उनको जो ना खुशी भी हो जाए और वो बड़े मज़े से चटपटे से वो खा भी सके। ठीक है जी, बच्चे जो होते हैं ना बड़े नखरे वाले होते हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चे भी बड़े नखरे वाले हैं, तो मैं कभी कभी जो ना ये लोग मुझे बोलते हैं ना, तो मैं नई से नई रेसिपी उनको बना कर देती हूँ, बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है जी, तो नई रेसिपी के साथ फिर मैं हाजिर हो गई आप लोगों के लिए, एक नई रेसिपी बनाएंगे और बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ले लिए मैंने दो अंडे और काली मिर्च पीसी हुई, और ये है जी नमक। ठीक है जी, बस सिंपल से बनाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, और ये है जी ब्रेड, दोनों को मैंने काट लिया और ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है जी, इसको भी हम इस तरह ये रख देते हैं, और फ्राई पैन मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसलिए रखा है कि हम इसको फ्राई करेंगे, कैसे फ्राई करेंगे चलो। ठीक है, फ्राई पैन हमने यहाँ रख दिया है, और जी यहाँ पर जो ना फ्राई पैन में रख दिया है, इसमें ना ऐड करेंगे हम ऑयल, लेकिन उससे पहले जो अंडे हैं ये हम फेंटेंगे। ठीक है, ये अंडा हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जी दो अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये है जी नमक इसमें डाल दिया, और ये है जी काली मिर्च ऐड कर देंगे इसके अंदर थोड़ी सी, जितनी आपको पसंद है। ठीक है जी, ऐड कर देंगे और इसको फेंटेंगे। अच्छी तरह से हमने फेंट लेना इसे, और ये नाश्ता बहुत मज़े का बनता है, आप किसी टाइम पे भी बच्चों को खिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो इस स्पून को मैं यहाँ रख देती हूँ, फ्राई पैन मैंने रख दिया है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। इतना ही, और अंडा जो है ये इसमें, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, साथ ही ये जो ब्रेड है ना ये हम लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये 2 मिनट में बन जाएगा। ठीक है जी, फास्ट हमने बना लिया है। ठीक है, और देखें इसमें मानिस भी है, केचप भी है, और इस पर भी केचप लगा हुआ है। आप अपने बच्चों को एंजॉय कराएं और इनको खिलाएं और इनकी सेहत का ख्याल रखिए। ठीक है जी, तो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल फिर हाजिर हो जाएंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।